हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें कि बच्चों विवेकानंद जी के ऊपर आपको एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से हमारे देश में, भारत में नवजागरण का शंख फूका था। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी और उनके अंदर जो आध्यात्मिक भावना जाग उठी थी। तो इस तरह से सारा कुछ इसमें सब कुछ बताया गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। वर्कशीट आपके सबके पास होगी, आप इसको पढ़ लेना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है शंख फूकने का आश्रय क्या है। ठीक है, शंख फूकना का आश्रय है क, शंख बजाना, ख समाप्त करना, घ शंख जला देना और घ प्रारंभ करना। तो इसका ऑप्शन घ वाला जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक है क्योंकि उन लोगों ने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये आपके पैराग्राफ में भी दिया गया है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका सेकंड नंबर का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजित थी, रेखांकित वाक्य का तात्पर्य है। इसका भाव यह है कि परमहंस जी की वाणी अत्यंत प्रभावशाली तथा ओजस्वी थी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन दिया है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। ये तो बच्चों सबको पता ही होगा क्योंकि हमने उसमें भी किया है, वर्कशीट में पढ़ा है, ऊपर ऊपर लिखा है नरेंद्रनाथ था। आंसर लिखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, उनके गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है उनके गुरु कौन थे, तो आंसर है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो सिक्स क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर है समाज सुधार का बीड़ा युवाओं को ही उठाना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो बच्चों तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।